हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मिश्री में। किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार, लूट, डकैती, बलात्कार, सपा के कार्यकर्ता आज इस सरकार को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से बेतहाशा डीजल, पेट्रोल आदि महंगाई को लेकर के हम लोग राज्यपाल को एक ज्ञापन समर्पित करने जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, यही हमारी मांग है। शांत रहिए आप लोग, थोड़ा सम्मानित करिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। आप सुनिए, सब लोग बैठो, बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए नीचे। ज्ञापन कि उसमें हमारे सभी जितने आए हुए समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं केवल एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, कि सरकार की जिस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाई है, चाहे मेरा वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मेरी महिलाएं हो, हम लोग इस चीज के लिए संकल्प ले लिया हूं कि अगर सरकार अपनी रवैया में बदलाव ना किया तो हम लोगों को अगर सड़कों पे खून बहाना पड़ेगा तो हम लोग सड़कों पे खून बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव, रामोदित यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामोदित यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं अपने मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन आंख मूंदे हुए है तो प्रशासन अपनी आवाज, मेरी आवाज जा रही हो तो कान खोल के सुन ले। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अगर अत्याचार हुआ तो ये तय जान लीजिए कि ईंट से ईंट बजाने का काम साथियों, आज जिस तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमा लादा गया है, मेरे कार्यकर्ताओं का फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि सरकार किसी के बाप की बतौती नहीं है, कल बपौती नहीं है, कल सरकार आज ये है कल मेरी भी होगी। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, अगर मेरे कार्यकर्ताओं पे उत्पीड़न किया गया तो कार्यकर्ताओं के लिए मैं सड़क जाम कर दूंगा, सड़क पे खून जो है बहेगा। अगर इस प्रांगण में मेरे कलेक्टर साहब मौजूद हो तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो मैं ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ वो स्वतः के ज्ञापन स्वीकार करे। इसी के साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि हर लड़ाई के लिए आपका जिला अध्यक्ष सड़क पे खून बहाने के लिए तैयार है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ साथियों, क्योंकि मोदी होश में आओ, होश में आओ।
मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद कमेटी माननीय समाजवादी पार्टी जनपद कमेटी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन निम्नवत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुरादाबाद दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह दोषी है, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी को जेट श्रेयता सुरक्षा उपलब्ध है। नंबर दो, दिनांक 11/3/20 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ घटित घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी साबित होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट वापस ली जाए तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। नंबर तीन, उत्तर प्रदेश में जूट हत्या बलात्कार की घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि प्रदेश में अराजकता व भय का माहौल व्याप्त है। नंबर चार, डीजल पेट्रोल व गैस की कीमतों में वही बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाई जाए। नंबर पाँच, किसान बिल जैसे काले कानून को वापस लिया जाए। नंबर छः, किसानों के गेहूं को खरीदने हेतु गेहूं क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए तथा प्रदेश प्रत्येक किसान का गेहूं क्रय किया जाए। नंबर सात, जनपद अमेठी में हो रही लूट हत्या व अन्य आपराधिक घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। नंबर आठ, सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को रोका जाए। नंबर नौ, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया जाता था। नंबर दस, निराश्रित महिलाओं को और वृद्धों की पेंशन प्रत्येक माह भुगतान की जाए। नंबर ग्यारह, छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया जाए। तथा मान्यवर से प्रार्थना है कि उक्त 11 सूत्रीय ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल महोदय को उचित कार्रवाई से प्रेषित करने की कृपा की जाए। अगर जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद यादव जी।